तो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गेमिंग साइलेंटली। तो गाइस, इस वाले वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे कैरेक्टर्स बताऊंगा जो कि आप जब यूज़ करोगे गाइस एकदम भाई वो आलोक से भी अच्छा है। और गाइस, इसमें भाई आलोक नंबर 1 पे नहीं है। तो गाइस, वीडियो पूरा एंड तक देखना गाइस, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। तो गाइस, मैं आपको 5 से लेके भाई फर्स्ट तक बताऊंगा कौन नंबर 1 पे, वो भी करंट अपडेट से, मतलब क्लू के आने के बाद। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये सब क्यों लेना चाहिए, क्या है। तो गाइज, अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको पूरे अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा गाइज, ऐसा क्यों है कि फर्स्ट पे क्यों है, सेकेंड पे क्यों है। अगर गाइज आप लोग को कैरेक्टर्स की एबिलिटीज़ भी मतलब भाई जो 4 एबिलिटीज़ हमें मिलती है, मतलब एक कैरेक्टर में हम लोग लगा सकते हैं, अगर उस पर वीडियो चाहिए बेस्ट एबिलिटी कौन हो सकते हैं विदाउट आलोक, तो वो भी मैं बताऊँगा। तो गाइज, सबसे पहले हमारा जो 5th नंबर पर जो कैरेक्टर आता है गाइज, हमारे 5th नंबर पर जो कैरेक्टर आता है वो है भाई, उस कैरेक्टर का नाम तो आप लोग में से बहुत लोग सुने होंगे, वो है भाई क्ला। अब आप लोग में से सोचेंगे भाई क्ला क्यों, भाई क्ला देखो भाई, एक तो ये गोल्ड में भी आता है और मैं बता रहा हूँ ये क्यों है ऐसा। तो गाइस, जब आप क्ला लोगे, अगर आप मान लो भाई किसी ऐसे घर में गए, वहाँ पे एक और बंदा आ गया और गाइस आप और वो बंदा दोनों पास ही पास में, और उस वाले बंदे को गन मिल गई और आप लोग को गन नहीं मिली, तो गाइज ये क्ला मीन्स पास में ऐसा खेलता है कि गाइज ये शॉर्ट गन भी कुछ नहीं कर पाएगी। अगर आप और आप दूसरा बंदा अगर 5 मीटर के अंदर है, तो गाइज वो सामने वाले बंदे के पास भले ही गन हो, लेकिन तब भी भाई क्ला उसे आराम से मार देगा, क्योंकि गाइज क्ला का मैक्स में जो डैमेज होता है वो 100 होता है। और गाइज 100 तो बॉडी शॉट होता है, और हेड शॉट लगता है तो 550 का लगता है। तो गाइज समझ सकते हो गाइज, 2 बॉडी शॉट बंदा खत्म हो जाएगा। और इसका जो शुरुआत का डैमेज होता है मतलब लेवल 1 पे, वो होता है 40। तो गाइज 40 मेरे ख्याल से होता है अच्छा नहीं, लेकिन गाइज जब इसे मैक्स कर लोगे गाइज 100 का डैमेज लगेगा, बहुत मज़ेदार। देखो भाई मेरे क्ला मैक्स है तो मेरा 100 का डैमेज लगता है। और गाइज अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर। तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम है गाइज, वो भी आप लोग बहुत लोग जानते हैं भाई, वो वाला कैरेक्टर वो है केली। गाइज केली क्यों, मैं आपको बताऊंगा केली क्यों है ये भाई 4th नंबर पे। तो गाइज 4th नंबर पे केली इसीलिए है क्योंकि गाइज अगर आप केली और क्ला का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो, तो गाइज अगर सामने वाला बंदा अगर घूम के भी मार रहा है ना गाइज, मतलब भाई जंप करके मार रहा है जिससे आप उसके तरफ नहीं पहुंच पाओ, तो गाइज केली में ये फ़ायदा होता है कि आप बहुत अच्छे से मीन्स उस पर रश करके उसे मार सकते हैं। तो गाइज अब मैं बात करूंगा बस केली का, मतलब आपके पास बस केली है। तो गाइज केली का ये फ़ायदा होता है कि अगर गाइज आपको मीन्स रश वश करना है किसी के पास, और गाइज बंदा मेडिकेट लगा रहा है और आप लोग को रश करना है उसके पास, वो बंदा डैमेज आपने दिया भाई, तो भाई अगर आप नॉर्मल कैरेक्टर लोगे विदाउट केली, तो आपको उस पर रश करने में कम से कम मीन्स केली से भाई 1 सेकेंड कम तो लग ही जाएगा। अगर गाइज 1 सेकेंड में भाई सब लोग समझ सकते हैं यार, मेडिकेट तो कोई भी लगा लेगा, मतलब भाई 3 सेकेंड मेडिकेट के लगते हैं, आप लोग को रश करने में लगेगा अलग से टाइम, और एक्स्ट्रा 1 सेकंड और लग जाएगा अगर केली अगर आप नहीं लोगे। और गाइज ये तो भाई हुआ मीन्स शॉर्ट डिस्टेंस में 1 सेकंड। अगर गाइज अगर मैं बोलूँ कि गाइज हम लोग को फैक्ट्री से लेके क्लॉक टावर तक पहुँचना है, तो गाइज होगा ये कि जो अनदर कैरेक्टर होगा ना वो मीन्स 75 डिस्टेंस पे ही रहेगा, मतलब भाई 75 डिस्टेंस पे ही रहेगा और केली क्लॉक टावर तक पहुंच जाएगी। तो गाइज जितना लॉन्गर डिस्टेंस वो और बहुत आगे हो जाती है, मतलब भाई क्योंकि वो मीन्स थोड़ा मोड़ा उसका प्लस होते रहता है और गाइज वो बहुत आगे निकल जाती है। गाइज ये इसकी खासियत है। और गाइज अब हम लोग अपने बढ़ते 3rd कैरेक्टर। जो गाइज हमारा 3rd कैरेक्टर है वो है गाइज, वो है हमारा भाई साहब कहाँ के मैन मिल नहीं रहा भाई मेरे को, हाँ गाइज वो है हमारा ये क्लू कैरेक्टर। हाँ गाइज ये क्लू मैं भूल गया था, अरे भाई क्लू नहीं ले लिया, गलती से नोटोरा ले लिया। तो गाइज हम लोग सब लोग जानते हैं क्लू कैरेक्टर, मुझे बोलेंगे भाई क्लू क्यों, भाई क्लू में क्या खास है। क्लू में भाई मैं बताता हूँ भाई, मैं एक बार क्लू अप ले लेता हूँ। क्लू में ये खासियत है गाइज कि अगर भाई बंदा 50 मीटर के अंदर, मतलब गाइज अगर आप क्लैश स्क्वाड भी खेलते हो ना, और कभी कभी होता है कि गाइज आप मीन्स कैंपिंग कर रहे हो, क्लैश स्क्वाड में भी बहुत सारे बंदे कैंपिंग करते हैं, मतलब कोई घर में छुपके मारते हैं, तो गाइज उस केस में क्लू आपकी बहुत मदद करेगी। मतलब भाई आप ग्लू वॉल लगा के, कभी कभी आप लोग करते हो गेट के सामने ग्लू वॉल लगा देते हो जिससे बंदा मारेगा तो बच जाओगे। तो गाइज बहुत बंदे करते ही हैं कि गाइज इस ग्लू वॉल के ऊपर चढ़ चढ़ के वो खिड़की से मार देते हैं। तो गाइज उस सिचुएशन से बचने के लिए देखो गाइज क्लॉक, ये भाई क्लैश स्क्वाड बहुत छोटा एरिया में होता है, तो गाइज क्लैश स्क्वाड में अगर आप क्लू यूज़ करोगे तो हमें बहुत फ़ायदा करेगा, मतलब आप बंदे की लोकेशन 50 मीटर तक मीन्स आराम से पहचान जाओगे। और भाई ऑब्वियस भाई मीन्स क्लैश स्क्वाड में मीन्स कोई भी मीन्स
बैठा नहीं रहता भाई, बैठेगा क्योंकि गाइस क्लैश कोर एक छोटा सा होता है, वहाँ पे हमेशा भागना ही पड़ेगा, तो भाई बंदा अभी स्टैंड ही रहेगा, तो आप आराम से इसकी लोकेशन पता कर सकते हो। तो गाइस अब हमारा है नेक्स्ट कैरेक्टर, वो है भाई सब लोग का, भाई सब लोग को ही कैरेक्टर चाहिए भाई, आप लोग समझ गए होंगे आलोक। अब भाई आप लोग सोचे आलोक सेकंड पे क्यों, गाइस आलोक की ये खासियत होती है कि मतलब भाई ये 10 सेकंड तक आपको 50 HP देता है मैक्स में। तो गाइस आलोक 50 HP देता है 10 सेकंड में। और गाइस अगर आपको आलोक आलोक आपके पास नहीं है तो आप इनहेलर ले लो गाइस, अब वो आपको मैं बता रहा हूँ 6 सेकंड में दे देगा 50 HP। तो गाइस आप सोच सकते हो कि 6 सेकंड में 50 HP दे देगा, 9 सेकंड में वो दे देगा 75 HP। तो गाइस आलोक से तो बढ़िया वही है, तो आप इनहेलर भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास आलोक नहीं है। तो गाइस आलोक की बस यही खासियत है, लेकिन गाइस अगर आपके पास इनहेलर नहीं है तब आपका ये काम कर सकता है, मतलब आप कहीं जा रहे हो तो गाइस ये आलोक की खासियत है। और इसमें होता है ये कि भाई आपकी स्पीड भी थोड़ी सी वो बढ़ा देता है जिस टाइम पे आप इसकी एबिलिटी यूज़ कर रहे हो। तो गाइस आप मीन ज़्यादा दूर तक जंप कर सकते हो, लेकिन केली आप लोग बोलेंगे भाई केली भी तो केली में भी तो स्पीड होती है, लेकिन नहीं गाइस जब आप जंप करते हो तो केली की स्पीड जंप करने में नहीं काम आती है, उस टाइम तक उसकी वो रुक जाती है भाई स्पीड। और लेकिन आप आलोक का यूज़ करोगे तो आलोक की स्पीड नहीं रुकेगी। तो गाइस अब हम लोग का जो फर्स्ट कैरेक्टर नंबर 1 पे है वो है गाइस जोटा। तो गाइस ये जोटा में मिल जाता है, जोटा यहाँ पे ये कैरेक्टर हमारा जोटा, ये हम लोग का ये फर्स्ट नंबर पे क्यों है गाइस, ये इसीलिए फर्स्ट नंबर पे है क्योंकि गाइस ये इसमें होता है ये कि गाइस 25 HP रिस्टोर करता है, ये तो भाई लेवल 1 पे 25 HP रिस्टोर कर देगा, मीन्स आपकी 25 HP रिस्टोर कर देगा। अगर आप मीन्स मैं बता रहा हूँ अगर आप इसको मैक्स करते तो 40 HP रिस्टोर करेगा। और भाई इसमें 5 सेकेंड के बाद 5 सेकंड के अंदर ये मीन्स काम नहीं करेगा, 5 सेकंड के बाद ही काम करेगा, तो 40 HP कैसे रिस्टोर करेगा अगर आप शॉटगन या SMG। तो गाइस बेसिकली भाई मोस्ट ऑफ द बंदे भाई शॉटगन SMG लेके लेते ही हैं गाइस, अगर आपको मीन्स अगर आप जोटा यूज़ कर रहे हो तो आप मीन्स लॉन्ग रेंज पे ले सकते हो, VSS ले सकते हो गाइस। और गाइस अगर आपको मिड रेंज में चाहिए तो P90 ले सकते हो, शॉर्ट रेंज में तो भाई SMG की बहुत सारी गन है, मीन्स ये MP40 गाइस बहुत सारी गन है। तो गाइस मैं तो प्रेफर करूंगा भाई जोटा ही बेस्ट है। और गाइस अगर आपको अगर आप किसी बंदे के पास रश कर रहे हो आपके पास SMG है तो गाइस मैं बता रहा हूँ कि आपको जोटा ही यूज़ करना चाहिए। क्यों यूज़ करना चाहिए गाइस, अगर आप मान लो किसी बंदे को मारे और दूसरा बंदा अभी आपको तरफ रश कर रहा है तो गाइस उसको 5 सेकंड तो लग ही जाएंगे आपकी तरफ रश करने में। तो गाइस अगर आप उसे भी मार दोगे तो गाइस 5 सेकंड में आप दो दो बंदे को मार सकते हो। और गाइस आपको मेडिकेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मीन्स भाई मेडिकेट में आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, और जूटा भाई आराम से बहुत ही अच्छी तरीके से मीन्स आपको जिता सकता है गाइस। तो ये इसमें बहुत अच्छी खासियत है। तो गाइस आज के लिए बस इतना यार, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए भाई तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पे लाइक है यार 9 लाइक्स का तो गाइस कंप्लीट कर देना, मैंने कुछ ज़्यादा ही मांग लिया लेकिन भाई आप लोग कंप्लीट कर लेते यार इसीलिए मैंने बोला। तो गाइस बाय।